welcome you all in our channel dr agriculturist i am devendra chaudhary in this video we are going to discuss about various disease of mustards like alternaria blight sclerotinia stem rot and white rust the disease will be discussed on the following topics like causal organism symptom etiology disease cycle बल कंडीशन एंड मैनेजमेंट दिस इज फॉर द कोर्स डिजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू सो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड से अल्टरिया ब्लाइट इज कॉज बाई अ फंगस अल्टरनेरिया ब्रेसिकी हमारे सिलेबस में अल्टरनेरिया से होने वाले कुछ और डिजीज भी हैं जैसे कि पर्पल ब्लॉच जो कि अल्टरनेरिया पोरी से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो जो कि अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है अल्टरनेरिया ब्लाइट इन सनफ्लावर सो so, ये तीनों डिजीज अल्टरनेरिया से होती है सिम्टम द डिजीज अटैक ऑन द लोअर लीव्स एज स्मॉल सर्कुलर brown necrotic spots which slowly increase in the size. Many concentric spots coalesce to cover large patches, showing brightening and defoliation in severe cases. Circular to linear dark brown lesions also develops on stems and pods which are elongated at later stages. Infected pods produce small

इसीलिए जो पहला सिम्टम है वो लोअर लिफ्स में स्टार्ट होता है और कैसे आता है नेक्रोटिक स्पॉट्स बनते हैं बाद में ये धीरे से कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और लिफ का बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है जिसके कारण से पौधे की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस रेट बहुत कम हो जाता है और ऐसे पत्ते समय से पहले गिर जाते हैं ऐसी टाइप के सिम्टम स्टेम्स में और पॉट्स में भी आते हैं लेकिन यहां पर जो सिम्टम होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है तो ऐसे केस में सीड्स कम बनते हैं और जो भी सीड्स बनते हैं वो श्रीवल्ड होते हैं जुर्रीदार होते हैं ये है इसके सिम्टम्स अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग है सो so, अल्टरनेरिया की प्रॉपर्टी है कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है यह पौधे में भी ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाते हैं और अगर हम इसे कल्चर करेंगे तो यह इसकी कॉलोनी होती है उसमें भी कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं अब देखते हैं अल्टरनेरिया की इटियोलॉजी द फंगस बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेटिना इट हैज सेप्टेट ब्रांच एंड डार्क माइसिलियम इट प्रोड्यूस ए सेक्सुअल स्पोर्स कोलर एंडिया इन चेन कोडियो फोर्स आर शॉर्ट डार्क कलर्ड सिंपल एंड सेप्टेट सो इसके जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांचड होते हैं और डार्क कलर के होते हैं क्यों क्योंकि इनके सेल वॉल में एक केमिकल का सिक्रेशन होता है जिसे मिलेनिन कहते हैं इसका जो कोनीडिया होता है वो म्यूरीफॉर्म सेप का होता है मतलब कि उसका जो बेस वाला पोर्सन है उसका थिकनेस ज्यादा होता है और टिप का जो थिकनेस है वो कम होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चैन में होता है इनकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लैक कलर की होती है और इसमें भी ये कॉन्सेंट्रिक रिंग बनते हैं तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं अगर ये सेंटर है और ये रिंग्स हैं तो अल्टरनेट ऐसे रिंग्स बनते हैं अब देखते हैं डिजीज साइकिल के बारे में जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड सीड्स में इंफेक्टेड क्रॉप डेब्रिस में वॉलंटियर क्रॉप्स या फिर कोलेट्रल होस्ट में सर्वाइव करते रहते हैं और इनका जो सर्वाइवल है वो स्पोर के फॉर्म में होता है ये जो स्पोर हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं बाद में ये फिर इन्फेक्शन करते हैं प्लांट में वहां पर मल्टीप्लाई होते हैं फिर से वो स्पोर्स बनाते हैं फिर से वो स्पोर्स हवा के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं वहां पर इन्फेक्शन करते हैं तो इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में फिर ये सीड्स में और डेबरीज में सर्वाइव करते रहते हैं इस प्रकार से इसका साइकिल चलते रहता है और यह बहुत ही सिंपल टाइप का डिजीज साइकिल है फेवरेबल कंडीशन मॉइस्ट वेदर मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी वार्मरेचर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इंटरमीडिएंट रेन अगर यह सब कंडीशन आता है तो उस केस में डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ अल्टरनेरिया ब्लाइट We should adopt integrated disease management practice like summer deep plowing, maintain proper spacing, clean cultivation and field sanitation, application of well rotten manures, practice crop rotation, early planting, removal and destruction of diseased plant, application of trichoderma. Either we can spray the trichoderma or we can mix it with FIM. देन वी कैन अप्लाई ट्रीट द सीड विथ थरम और कार्बेंडाजिम और वी कैन स्प्रे मैनकोजेप जीरो पॉइंट टू परसेंट अब हम देखते हैं स्क्लेरोटीनिया रॉड के बारे में मस्टर्ड में स्क्लेरोनिया रॉड एक फंगस से होता है जिसका नाम है स्क्लेरोटीनिया स्क्लोरोसियोरम और इस पैथोजन से सनफ्लावर में भी एक डिजीज होती है स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में इलांगेटेड वाटर सोक्ड लीजंस अपीयर्स ऑन द स्टेम नियर टू द क्राउन रीजन कवर्ड विथ कॉटनी माइसीलियम ग्रोथ लेटर ऑन प्लांट लुक लाइक वाइटिस फ्रॉम डिस्टेंस एट इंटर नोड आर बेस रीजन्स प्रीमेच्योर थ्रेडिंग ऑफ द स्टेम्स बिल्टिंग एंड ड्राइंग ब्राउन टू ब्लैक स्क्लोरोसिया बॉडी में बी सीन इन द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स जैसे कि ये प्लांट है यह इसका रूट सिस्टम है तो इसके जो सिम्टम होते हैं वो बेस रीजन से स्टार्ट होते हैं और पहले वाटर सॉफ्ट लीजन बनते हैं उसके बाद इसमें वाइट कलर के माइसिलियम दिखाई देते हैं यह वाइट कलर के माइसिलियम ऊपर की तरफ भी बढ़ते हैं जिसके कारण से स्टेम कमजोर हो जाता है और इसके टिशूस जो इसके ऊतक हैं वो झड़ने लगते हैं बाद में ये ब्लैक कलर के स्क्लेरोसिया बनाते हैं बाद में इनका जो इन्फेक्शन है वो लिप्स में और फ्लावर्स में भी होता है अब देखते हैं स्क्लेरोटीनिया के इटियोलॉजी के बारे में द फंगस बिलोंग टू एस्कोमाइकोटीना द माइसिलियम्स आर सेप्टेड ब्रांच एंड हाईलाइन तो इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेड होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और इनका जो कलर है वो हाईलाइन होता है मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है इसका जो कॉलोनी का कलर है वो व्हाइट कलर का होता है और इसमें स्क्लेरोसिया बनते हैं इसके जो स्क्लेरोसिया होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और नेकेड आई से भी विजिबल होते हैं जब ये स्क्लेरोसिया जर्मिनेट होता है तो एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जिसे एपोथिसिया कहते हैं ये जो एपोथीसिया होता है वो कब सेप का होता है और इसमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिसे एस्कोस्पोर कहते हैं यह है इसका स्क्लेरोसिया इसका साइज बहुत ही बड़ा होता है और यह है इसकी कॉलोनी जो कि व्हाइट कलर की होती है और यह स्क्लेरोसिया जब जर्मिनेट होता है तो एपोथीसिया बनाता है और इस एपोथीसिया में बहुत सारे एस्कोस्पोर बनते हैं अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में जो पैथोजन है वो स्क्लेरोसिया के फॉर्म में जीवित रहता है सॉइल में और क्रॉप डेवरिस में फिर अगले सीजन में जब कंडीशन फेवरेबल होता है उस समय ये स्क्लेरोसिया जर्मिनेट होता है और एपोथीसिया बनाता है ये एपोथीसिया एक कप सेप का फ्रूटिंग बॉडी है और ये एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है इसके अंदर में सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर बनते हैं और यहाँ पर बहुत सारे एस्कोस्पोर बनते हैं ये एस्कोस्पोर हवा के द्वारा उड़ते हुए जाते हैं और दूसरे प्लांट्स के फ्लावर्स में इन्फेक्शन करते हैं और ये जो स्क्लेरोसिया है वो डायरेक्टली जर्मिनेट होकर माइसिलियम बनाते हैं और फिर ये स्टेम में भी इन्फेक्शन करते हैं सो so, इसका इन्फेक्शन स्टेम इस में और फ्लावर्स में दोनों में आता है बाद में ये पैथोजन प्लांट्स में मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें सिम्टम दिखाई देता है बाद में ये फिर से स्क्लेरोसिया बनाते हैं और ये साइकिल चलते रहता है फेवरेबल कंडीशन हाई ह्यूमिडिटी नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट एवरेज टेम्परेचर एटीन टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड मोनोक्रॉपिंग और डेंस क्रॉपिंग इन सब कंडीशंस में डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ दिस डिजीज वी शुड अडोप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक समर डीप प्लोइंग यूज ऑफ डिजीज फ्री सीड्स ग्रोइंग रजिस्टेंट वेराइटी क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट एटलीस्ट फोर टू फाइव ईयर फील्ड सैनिटेशन अवॉइड डेंस प्लांटिंग स्प्रे ऑफ द केमिकल्स लाइक मैनकोजेब कार्बेडाजी हेक्साकोनाजोल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा एप्लीकेशन ऑफ नीम केक एंड ऑर्गेनिक मेन्योर एंड प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द फील्ड अब देखते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड वाइट रस्ट इज कॉस्ड बाई य पैथोजन अल्बोगो कंडीडा सिम्टम इसमें टू टाइप के सिम्टम आते हैं लोकल सिम्टम और सिस्टमिक सिम्टम इन केस ऑफ लोकल सिम्टम वाइट क्रीमी येलो रेज्ड पुस्टूल्स अपीयर्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द लिप्स विच लेटर कोलेज टू फॉर्म लार्जर पेचेस इन सिस्टमिक इन्फेक्शन स्वेलिंग एंड डिस्टोरशन ऑफ द स्टेम एंड फ्लोरल पार्ट्स ड्यू टू हाइपर ट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया डेवलप स्टेग हेड स्ट्रक्चर सो ये जो सिम्टम होते हैं टू टाइप के होते हैं सिस्टमिक सिम्टम और लोकल सिम्टम लोकल सिम्टम क्या हो गया जैसे कि ये लीफ है यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन के बाद ये एक लीजेंस या पोस्टूल्स बनाता है तो यह जो पैथोजन है वो इसी स्पॉट्स इस के आसपास है तो ये हो गया लोकल सिम्टम लेकिन जैसे कि ये लीफ है और पैथोजन का इन्फेक्शन यहां पर हुआ लेकिन ये पौधे के अंदर मूव करते करते गया और यहां के स्टेम्स में सिम्टम डेवलप हुआ तो ये है सिस्टमिक सिम्टम इन्फेक्शन तो लीफ में हुआ था लेकिन जो हमें सिम्टम है वो स्टेम में दिखाई दे रहे हैं इसी को कहते हैं सिस्टमिक सिम्टम सो जो इसके लोकल सिम्टम होते हैं वो लीफ के लोअर साइड में दिखाई देते हैं और वाइट क्रीमिस येलो कलर के पोस्टूल्स बनते हैं ऐसी पोस्टूल्स बहुत सारे बनते हैं आपस में जुड़ने लगते हैं और ये बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन में क्या होता है जो स्टेम पोर्शन है और फ्लावर के पार्ट्स हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ये जो स्वेलिंग है वो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया के कारण होता है जिसके कारण से स्टेग हेड स्ट्रक्चर बनता है हाइपरट्रोफी मतलब जब सेल का साइज बढ़ने लगता है जैसे नॉर्मल साइज ये रहेगा तो सेल का साइज ऐसे बढ़ जाता है इसी को कहते हैं हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया क्या है नॉर्मली यहां पर एक सेल होने चाहिए थे लेकिन पैथोजन के इंफेक्शन के कारण यहां पर बहुत सारे सेल हो जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं उसी को कहते हैं हाइपर प्लेसिया सो so, पैथोजन के कारण यहां के जो सेल हैं उनका साइज भी बढ़ता है और नंबर्स भी बढ़ता है जिसके कारण से ये जो स्टेम है वो ऐसे फूला हुआ दिखाई देता है और इसमें अच्छे से फ्लावर डेवलप नहीं होते हैं और इसी को स्टेग इस हेड सिम्टम कहते हैं और लोकल सिम्टम में इस प्रकार से वाइटिस या क्रेमिस येलो कलर के पोस्टुल्स बनते हैं पोस्टुल्स मतलब कि ये हल्के से उभरे हुए हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर पैसोजन मल्टीप्लाई होता है और बहुत सारे स्पोर्ट्स बनाता है जिसके कारण से यहाँ का ये जो पोर्सन है वो ऐसे उभरा हुआ होता है इसी को पोस्टुल्स कहते हैं और ये लीफ के नीचे साइड में ज्यादा बनते हैं अब देखते हैं इसकी इटियोलॉजी एल्बुगो कंडीडा बिलोंग टू सब डिविजन मेस्टिगो एंड फैमिली एल्बोजिनेसी मेस्टिगोमाइकोटिना के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जैसे कि पिथियम, फाइटोपथोरा और डाउनी मिल्ड्यू पैथोजेंस पिथियम और फाइटोपथोरा फैमिली पीथियसी को बिलोंग करते हैं और डाउनी मिल्ड्यू करने वाले फंगस फैमिली पेरानोस्पोरेसी को बिलोंग करते हैं अल्बुगो कंडीडा में जो माइसिलियम होता है वो नॉन सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है और हाईलाइन होता है इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स स्पोरेंजिया बनते हैं स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन स्पोरेंजियो फोर में होता है और ये स्पोरेंजियो फोर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं और स्पोरेंजिया को रिलीज करते हैं इसके जो स्पोरेंजिया इस होते हैं वो ओवल सेप के होते हैं और हाईलाइन होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे जूस बनते हैं और यह जूसपोर्स जब स्पोरेंजिया फट जाता है तो बाहर आते हैं और इन्फेक्शन करते हैं बाद में इनमें सेक्सुअल स्पोर्स ऊसपोर्स भी बनता है और यह ऊस सर्वाइवल में हेल्प करता है यह है इसका स्पोरेंजियो फोर स्पोरेंजियो फोर में स्पोरेंजिया बनते हैं और यह जो स्पोरेंजिया है वो चैन में बनता है और प्लांट्स में हमें पुस्टूल्स दिखाई देता है, है जो उसका सरफेस है वो उभरा हुआ होता है वो इसी के कारण से होता है यह प्लांट का सरफेस है और यहां पर जब इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं मतलब स्पोरेंजिया बनाते हैं जिसके कारण से ये सरफेस उभरा हुआ होता है डिजीज साइकिल पैथोजन सरवाइव इन द क्रॉप डेवरीज इन द फॉर्म ऑफ ऊस फिर ऊसपोर्स जर्मिनेट होगा जर्मिनेट होने के बाद स्पोरेंजिया बनाएगा फिर स्पोरेंजिया से जूसपोर्स रिलीज होते हैं और ये लीफ के लोअर सरफेस में इंफेक्शन करते हैं इंफेक्शन के बाद ये ग्रोथ एंड मल्टीप्लाई होंगे फिर हमें सिम्टम दिखाई देगा फिर ये जो पैथोजन है वो स्पोरेंजिया बनाता है ये स्पोरेंजिया पत्ती की निचली साइड में जो स्टोमेटा है वहां से बाहर निकलते हैं और रेन वाटर विंड्स या वाटर के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में ये ऊसपोर्स भी बनाते हैं और यह उस पोर्स सॉइल में लंबे समय तक सर्वाइव करते रहता है इस प्रकार से इसका ये जो डिजीज साइकिल है वो चलते रहता है फेवरेबल कंडीशन 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मोर देन 90 परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्लाउडी डेज इंटरमीडियंट रेन डेंस क्रॉपिंग एंड पुअर ड्रेनेज ऑफ सॉइल मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए जैसे कि सेनेटेशन ऑफ द फील्ड मेंटेन द प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द फील्ड सेलेक्शन ऑफ ओनली हेल्दी सीड्स फोलियर एप्लीकेशन ऑफ रीडोमिल जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट ये जो रिडो है इसमें एक केमिकल होता है उसका नाम है मेटा लेग्जिल, सॉइल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा समर डीप्लोइंग हमें समर के महीने में कम से कम दो से तीन बार गहरी जुताई करनी चाहिए क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट और इरिगेशन के समय हमें ध्यान देना चाहिए जैसे कि ये दो फील्ड हैं तो अगर हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं सो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है यहां पर से वाटर को दिया जाता है फिर पहले ये वाटर यहां पर से होते हुए दूसरे फील्ड में जाता है तो हमें इस प्रकार से फ्लड इरिगेशन नहीं देना चाहिए इससे क्या होगा अगर ये जो पैथोजन है वो इस फील्ड में प्रेजेंट है तो इरिगेशन वाटर के द्वारा वो इस फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाएगा इसीलिए हमें इस प्रकार इरिगेशन नहीं देना चाहिए प्लीज वॉच मोर वीडियो फ्रॉम चैनल टर्न टू गेट सब्सक्राइबरेशन बेल फॉलो फेसबुक जानकारी Thanks for watching the video till end, we will meet again in next video.